हेलो 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 आवाज आ रही है आप लोग को चलिए तो एक बार फिर से आप लोग की क्लास को शुरू करते हैं स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बी एस ए ट्रिकी क्लासेस में तो दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है तो बी एस ए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज दोस्तों बी एस ए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग को हर रोज करंट अफेयर की ये इम्पोर्टेंट क्लास मिल सके ठीक है तो आज हमारे इस सीरीज का पार्ट नंबर 97 है और ये वो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो आप लोग के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले हैं तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला सवाल तो जय बी एस ए जय बी एस ए क्लास और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत तो सबसे पहला सवाल मैंने आप लोग को बताया कि दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति की रैंकिंग बताइए जिसे डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने जारी किया है तो पहला होगा दूसरा होगा ठीक है ना तीसरा होगा या फिर आपका चौथा होगा बताइए तो अगर हम इस क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा चौथा क्लियर है तो अगर आपका आंसर फोर्थ आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है इसको देखिए आईसीसी ने 21 मार्च 2021 को महिला टी ट्वेंटी इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की इसमें किस भारतीय खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है तो आइए दोस्तों और आप लोग बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा तो जिसका भी आंसर आ रहा है सैफाली वर्मा बिल्कुल राइट है तो दोस्तों आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा सैफाली वर्मा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने आपको क्या दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ वर्ल्ड कप में दस मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता अंतर्राष्ट्रीय निशानी खेल महासंघ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में किन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता तो अगर हम इस क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा ए बी सी या फिर डी तो जिसका भी आंसर सो आ रहा है सौरभ चौधरी और मनु भाकर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा सौरभ चौधरी और मनु भाकर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर ठीक है अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूं आगे दोस्तों अब आप लोग को बता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर सही जवाब होगा दिव्यांग सिंह पवार और आपका इला वेनिल ना वलारिवन तो जिसका भी आंसर दोस्तों आ रहा है दिव्यांग और आप लोग का वलारिवन तो बिल्कुल राइट है परफेक्ट है तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी वाला तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है वेरी गुड क्लास वेल डन चलिए अब लेकर चलते हैं आप सभी को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इसको देखिए प्यारे साथियों भाई बाकी लोग कितने रह गए टुस्सी टुस्सी जितने भी हो इतने चले आओ आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बाकी लोग कहाँ चले गए आज अब तो बहुत देर हो गई अब तक तो आप लोग को आ जाना चाहिए था क्लास का टाइम जब आपका आठ बजे है पांच मिनट ही क्लास खाली लेट हुई है तो जल्दी से क्लास में आ जाइए सभी लोग प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देखिए सागर सरहदी का निधन 21 मार्च 2021 को हो गया वह आपके किस लिए जाने जाते थे तो आप लोगों का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा फिल्म डायरेक्टर डायलॉग राइटर और स्टोरी टेलर अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट है चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए साथियों किस राज्य की विधानसभा में क्षति वसूली विधेयक 2021 हजार इक्कीस पारित हुआ जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का प्रावधान है ए बी सी या फिर डी तो ये अभी बिल पास हुआ है हरियाणा में ओके तो विधानसभा में क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित हुआ है डैमेज रिकवरी बिल और इसको बिल को पारित किया है हरियाणा ने तो किस राज्य की विधानसभा ने तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा तो अगर आपका आंसर हरियाणा आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है दोस्तों तेईस मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाते हैं तो प्यारे साथियों अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु ठीक है तो भाई अगर आपका आंसर आ रहा है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों तो आप लोग को यहां पर क्या दिया गया है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है चलिए बताइए ए बी सी या फिर टी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने है और महिला एकल का खिताब जीता है आपका नोजोमी ओकुहारा नोजोमी ओकुहारा चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है अगर मैं बात करूं पुरुष एकल का तो महिला एकल में तो नोजोम ओकुहारा है और पुरुष एकल में आपका है ली जी जिया ली जी जिया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया इसको बताइए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका कब मनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च को अगला सवाल बताइए विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइए देखिए इसकी थीम आप लोग की रखी गई है मैं आप लोग को बताना चाहूंगा ओशियन क्लाइमेट एंड वेदर ओशियन क्लाइमेट एंड वेदर ये इसकी थीम है और विश्व मौसम विज्ञान की अगर मैं बात करूँगा तो विश्व मौसम विज्ञान का जो संगठन है ये जो इसके अध्यक्ष है तो दोस्तों इस संगठन के जो आपके अध्यक्ष हैं ये आपके हैं पैट्री पैट्री तलाश पैट्री तलाश इसके अध्यक्ष हैं एंड इसका जो हेड है वो आपका कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर आप लोग का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर और ये मनाया जाता है 23 मार्च को तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है महासागर जलवायु मौसम अब लेकर चलते हैं आपको आगे इसको देखिए देखिए पहला पेपर जो आपका आया था श्रेया जी बहुत आसान आया था बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए हाँ हालांकि मैंने कुछ कमेंट पढ़े वो कह रहे थे कि सर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग खुद बताइए कि ऐसा हो सकता है कि मैंने आप लोग को इतनी तीन चार महीने से क्लासेस जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई हैं क्या उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो देखिए भाई पेपर बहुत आसान आया था पेपर बहुत बढ़िया आया था फिलहाल पहला वाला पेपर तो आपका आसान ही आता है धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़ता है ठीक है तो बिल्कुल सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं जिन लोगों ने मेहनत की है प्रॉपर तरीके से उनके सारे क्वेश्चन मिले हैं एक तो इक्का दुक्का होते हैं जो क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं लेकिन काफी सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए भी हैं जितने भी संभावित क्वेश्चन पढ़ाए थे ठीक है ना वो सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया है बाकी के मैंने सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दिए हैं बाईस मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है सही जवाब होगा तोहार बिहार तो अगर आपका आंसर बिहार आ रहा है बिल्कुल राइट है सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा ठीक है चलिए अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूं बड़े ही शानदार प्रश्नों के साथ किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे देखिए दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के लिए सीजेआई अरविंद शरद बोबड़े ने सरकार को किसका नाम प्रस्तावित किया तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में हमारे हैं जस्टिस एन बी रमना जी वर्तमान समय में दोस्तों हमारे जो सी जे आई है ये हमारे एन वी रमना जी हैं नोट कर लीजिए एन बी रमना होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर अब लेकर चलते हैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको बताइए हाँ वो तो मुझे पता है ये पेपर तो आपके लिए आसान ही आएगा जिन लोगों ने मेहनत की है खूब पढ़ाई की डटकर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ा है हमने पहले ही बोला था कि जो जो टॉपिक बता रहे हैं इन टॉपिक को तैयार कर लेना पेपर बहुत बढ़िया होगा आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्जाम होने वाला है बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं बी एस की तरफ से आप लोगों के शुभकामनाएं हम भी दोस्तों यही बी एस जी से कर रह, कह रहे हैं भाई जितने भी यहाँ पर आप लोगों आप पर जो विश्वास करते हैं जितने भी बच्चे हैं जो बी एस पर विश्वास करते हैं ठीक है ना कम से कम उन लोगों का तो पूरा पूरा पेपर जो है सॉल्व होना ही चाहिए अगला सवाल आप लोग के सामने है भारत पाकिस्तान और चीन समेत संघाई संयोग संगठन के सदस्यों ने 2021 में एंटी टेरर एक्सरसाइज करने का निर्णय लिया है और इसका नाम है दोस्तों पब्बी एंटी टेरर 2021। तो जिसका भी आंसर आ रहा है पब्बी बिल्कुल राइट हो जाएगा वेरी गुड अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूं आगे हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको देखिए दोस्तों किस पड़ोसी देश में ग्रह युद्ध के दौरान मानव अधिकार उल्लंघन के खिलाफ प्रस्ताव में यूएनएचआरसी ने भारत मतदान से इसमें दूर रहा है चाइना श्रीलंका बांग्लादेश या फिर आपका हो जाएगा पाकिस्तान तो प्यारे मित्रों अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो यहां से आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका तो जिसका भी आंसर आ रहा है श्रीलंका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा चलिए अगला सवाल आपके सामने है भाई खेल मंत्रालय ने भारतीय शैली के किस खेल संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की है तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा यहां पर सही जवाब क्या होगा बताइए तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है भारतीय शैली के भारतीय कुश्ती संघ बिल्कुल परफेक्ट है इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टाइल इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टाइल अगर आपका आंसर आ रहा है ए ठीक है ना तो बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं बस आप सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूं और आगे क्या आप जानते हैं विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व तपेदिक दिवस आपका मनाया जाता है 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस आप लोग का मनाया जाता है 24 मार्च को एंड इसकी जो थीम है दोस्तों क्या है द क्लॉक इज टिकिंग द क्लॉक इज टिकिंग ये इसकी थीम है इसका मतलब है इसका शाब्दिक अर्थ है कुछ करने के लिए वक्त के बेहद तेजी से गुजरने की तरफ इशारा करने से है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कठपुतली दिवस आपका कब मनाया जाता है देखिए आकर मैं बात को यहां पर वर्ल्ड पपेट्री डे तो वर्ल्ड पपेट्री डे मनाया जाता है आपका ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को सही जवाब होगा ट्वेंटी फर्स्ट मार्च जी बी रामकृष्ण जी का निधन हो गया वह किस बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा सेबी सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो अगर आपका आंसर से भी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है अगला सवाल आपके सामने है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता स्पोकमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है विदेश मंत्रालय के के नए प्रवक्ता रूप में नियुक्त किया गया है ना अरिंदम बागची को जिसका भी आंसर आ रहा है अरिंदम बागची बिल्कुल परफेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को कब तक रद्द रखने की घोषणा की है हम्म, तो यहां पर आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा 30 अप्रैल वेरी गुड क्लास अगर आपका आंसर आ रहा है तीस अप्रैल तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तीस अप्रैल डू यू नो एवरी वन कि आप लोग जानते हैं वेयर इज वर्ल्ड सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी फर्स्ट मार्च तो भाई विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का मनाया जाता है इसकी जो थीम है दोस्तों ये है आप लोग की वी डिसाइड ओके ये है 2021 की इसकी थीम तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है 21 मार्च तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देखिए क्या दिया गया आपको देखिए इंडेक्सिंग से आप सभी लोग जानते होंगे पेपर में क्वेश्चन आता है तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक तो प्यारे साथियों आप लोग को यहां पर क्या दिया गया है सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ठीक है ना तो इसमें जो है भारत का दोस्तों स्थान बताइए उनतालीसवा है चालीसवा है इकतालीसवा है या फिर आप लोग का दोस्तों पैतालीसवा है बताइए तो अगर इसमें मैं बात करूंगा भारत की तो इसमें हमारा भारत जो है चालीस नंबर पर आता है इसमें हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा तो अगर आपका आंसर आ रहा है फोर्टी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नंबर एक पर हमारा इसमें यूएसए है नंबर दो पर मेरा इसमें यूनाइटेड किंगडम है और नंबर तीन पर मेरा जो है जर्मनी है चार पे फ्रांस है और पांच नंबर पे जापान है जबकि हमारा भारत जो था दोस्तों अभी 2020 की जो रैंकिंग आई है वो 40 है 2019 में हमारा भारत इसमें 36 नंबर पे था 2018 में भारत हमारा था दोस्तों यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल ध्यान देंगे 44 नंबर पे और 2017 में हमारा भारत था इसमें 43 नंबर पे जबकि 2020 में ये जो इंडेक्स जारी की गई है इसमें हमारा भारत जो है 40 नंबर पे पहुँच गया है इसको आप नोट कर लीजिए देखिए पुरस्कार से आप लोग के क्वेश्चन आएंगे आप लोग मुझे इसके विषय में बताइए कि 2020 का ब्याज सम्मान किसे मिला है बताइए ज़रा तो देखिए दोस्तों हम लोग कहाँ पर थे यहाँ पर 2020 के ब्यास सम्मान पढ़ते हैं और ये दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे जी को ओके तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन में दोस्तों बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा प्रोफेसर शरद पगारे जी को दिया गया है तो हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रोफेसर शरद पगारे जी को दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज दोस्तों क्या आप लोग यहां पर जानते हैं कि किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है चलिए बताइए तो भाई सरस्वती सम्मान किसको मिला है यहां पर 2020 में शरण कुमार लिंबाले जी को दिया गया है जो कि एक मशहूर मराठी लेखक है तो हमारा सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा सरन कुमार लिंबाले जी सरन कुमार लिंबाले होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई एस एस एफ आई एस एस एफ शूटिंग वर्ल्ड कप नई दिल्ली 2021 में सबसे ज्यादा मेडल किस देश के खिलाड़ियों ने जीते हैं तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन से देश ने जीते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्यारा देश भारत तो भारत होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बिकॉज क्योंकि भारत इसमें जीत के लाया पंद्रह लाया है गोल्ड मेडल पंद्रह गोल्ड लेकर आया है नौ लाया है सिल्वर और छः लाया है ब्रॉन्ज मेडल तो टोटल जो है तीस मेडल भारत ने जीते हैं नंबर टू पर आप लोग का यू आया है यू एस केवल चार गोल्ड ले आया है तीन सिल्वर लेकर आया है और एक ब्रॉन्ज लाया है तो यू ने टोटल आप लोग के आठ लिए हैं नंबर तीन पर इटली है नंबर चार पर आपका डेनमार्क है और नंबर पाँच पर है हमारा पोलैंड अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको बताइए भाई केंद्र सरकार ने भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का अध्यक्ष मार्च 2021 में जो है किसे नियुक्त किया है तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे भाई केंद्र सरकार ने भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का जो है ठीक है ना केंद्र अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार ने भारतीय विमान प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है मार्च 2021 में जो बनाया है ये हमारे हैं भाई संजीव कुमार जी कौन है संजीव कुमार जी हैं दूसरी चीज है ए ए आई ये जो लिखा ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ए ए आई का मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी एक अप्रैल उन्नीस को एक अप्रैल उन्नीस को इसकी स्थापना हुई थी ठीक है देखिए श्रेया जी मैं आपको बताना चाहूंगा आ, कोई भी जो है यूट्यूब पर आप लोगों को अब एस एस सी के पेपर का एनालिसिस नहीं करवा सकेगा क्योंकि एस एस सी की तरफ से एक नोटिफिकेशन सीजीएल के टाइम एक रिलीज किया गया था कि आप पेपर का एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल पूरे पूरे मतलब सौ क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो बच्चे पूरे सौ क्वेश्चन करके आ रहे हैं क्यों उन्हें सारे तरीके मालूम चल जाते हैं वो दो दो तीन तीन चार चार साल से जो पढ़ रहे हैं वो पूरे पूरे क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जितने भी आप लोग के यूट्यूब चैनल हैं उन लोगों में से किसी ने भी जो है आप लोग को पेपर एनालिसिस नहीं करवाया होगा हाँ जिनको इस विषय में नॉलेज नहीं है ठीक है ना उन लोगों ने भले करा दिया गया होगा लेकिन भाई एसएससी की तरफ से जो है कड़े आदेश है सख्त नियम है इसलिए मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा उसी तरीके के जो आपके एग्जाम में आएंगे ठीक है चलिए यू आई डी ए आई के नए सीईओ कौन है सही जवाब होगा आपका सौरभ गर्ग अगला सवाल आपके सामने है केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है 2025 से 2026 अगला सवाल देखिए तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए किस सुरक्षा संगठन ने जहाज वज्र को ठीक ना बेड़े में शामिल किया है बताइए तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड तो जिसका भी आंसर आ रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड अगला सवाल देखिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 किस बॉलीवुड गायिका को मिला है बताइए तो भी ये मिला है आपकी आशा भोसले जी को तो जिसका भी आंसर आ रहा है आशा भोसले बिल्कुल राइट है आईसीसी के वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग 24 मार्च को जारी हुआ किस खिलाड़ी को नंबर वन बैटिंग बल्लेबाजी की रैंकिंग मिली है तो इसमें हमारे आते हैं विराट कोहली जी विराट कोहली जी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ओडीआई रैंकिंग 24 मार्च को जारी की गई किस खिलाड़ी को नंबर एक बॉलिंग की रैंकिंग मिली है तो बॉलिंग के मामले में नंबर एक पर आपके हैं ट्रेंट बोल्ट जी हैं तो जिसका भी आंसर आ रहा है ट्रेंट बोल्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ट्रेंट बोल्ट होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर चलिए अगला सवाल है आप लोगों के सामने इसको बताइए आईसीसी ने टी ट्वेंटी की रैंकिंग जारी की है ओके ना इसमें किस खिलाड़ी को नंबर वन बॉलिंग की रैंकिंग दी गई है चलिए बताइए तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे आई के टी ट्वेंटी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा चलिए तो टी ट्वेंटी में नंबर वन बल्लेबाज हमारे हैं तबरेज शमसी तबरेज शमसी हैं आपकी टी ट्वेंटी में आपके नंबर एक बॉलिंग वाले तबरेज शमसी नंबर एक की बॉलिंग कराई है उन्होंने और आई के सी टी ट्वेंटी रैंकिंग में किस खिलाड़ी को नंबर एक बैटिंग का जो है खिताब मिला है तो नंबर एक की रैंकिंग में कौन रहे बल्लेबाजी में टी में डेविड uh, मिलान जो कि इंग्लैंड के हैं डेविड मिलान ये आपके इंग्लैंड के प्लेयर हैं। डेविड मिलान तो आपका सही जवाब हो जाएगा डेविड मिलान नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस की दृश्यता जो है कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस की दृश्यता जो है कब मनाया जाता है इसको मनाते हैं थर्टी मार्च को जिनका भी आंसर आ रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग तो यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा इकतीस मार्च होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर विज्ञान संबंधी प्रधान सलाहकार यानी कि पी के तौर पर प्रोफेसर के विजय राघवन के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया गया है एक साल दो साल छ महीना तीन महीना तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से एक साल तो पी के तौर पर प्रोफेसर राघवन जी को प्रोफेसर के विजय राघवन जी के कार्यकाल को फिलहाल अभी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है ओके तो अभी जो है इनका फिलहाल कार्यकाल 2022 तक चलेगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से तीस मार्च तो जिसका भी आंसर आ, आ रहा है तीस मार्च आ रहा है बिल्कुल राइट है अगर मैं दोस्तों बात करूं राजस्थान के दोस्तों बात करें तो राजस्थान आप लोग का जो है यहाँ पर ठीक है ना राजस्थान आप लोग का जो है दोस्तों गुजरात ठीक है ना गुजरात मध्य प्रदेश ठीक है ना और आप लोग का दोस्तों यहाँ से यूपी गुजरात मध्य प्रदेश यूपी ठीक ना हरियाणा ये सब आप लोग का घिरा हुआ इधर से हमारा हरियाणा भी लगा हुआ है पंजाब भी आपका लगा हुआ है इधर से ठीक है ना तो गुजरात मध्य प्रदेश यूपी हरियाणा और पंजाब से घिरा हुआ है 30 मार्च उन्नीस को यह जो है एक रियासतों का विलय करके बृहत्तर राजस्थान संघ बना इसलिए 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है अगला सवाल आपके सामने है विश्व जल दिवस पर 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा जल संरक्षण अभियान शुरू किया दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं अगर मैं बात करूं जल दिवस पर इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा जो है अभियान शुरू किया है कैच द रेन तो सही जवाब हो जाएगा कैच द रेन होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर अगर आपका आंसर तो आ रहा है कैच द रेन वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना के लिए किन राज्यों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से मार्च 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो यहां पर मेरा सही जवाब क्या होगा ए बी सी आफी डी तो इसमें दो राज्य आते हैं एक आता है यूपी और दूसरा आता है मध्य प्रदेश तो जिसका भी आ रहा है यूपी और मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट है सही जवाब होगा आपका यूपी और एमपी अगला सवाल दुनिया की पहली शिप टनल का निर्माण किस देश में हो रहा है आ, क्या आप लोग यहां पर जानते हैं मेरे बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों दुनिया की पहली प्यारे साथियों दुनिया की पहली सिप टनल दुनिया की पहली सिप टनल का निर्माण जो हो रहा है नॉर्वे में नॉर्वे होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर नॉर्वे ठीक ना नॉर्वेजियन और यहां पर मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन राजधानी है इसकी ओस्लो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एडना सोलवर्ग ठीक है ना यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है आपके एडना सोलवर्ग जी दोस्तों जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एडना सोलवर्ग हैं इसकी कैपिटल जो है आप लोग की ओस्लो है इसकी कैपिटल है एंड यहां पर चलता है करेंसी में आप लोग का क्रोन क्या चलता है आप लोग का क्रोन चलता है क्रोन अगला सवाल हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 25 मार्च को तो हिरासत में लिए गए लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को तो जिसका भी आंसर 25 मार्च आ रहा है बिल्कुल राइट है अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है गुलामी और गुला, गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है बताइए वेरी गुड बहुत बड़े कर रहे हैं आप लोग तो ये आपका मनाया जाता है 25 मार्च को जिसका भी आंसर आ रहा है इंटरनेशनल डे इन मेमोरी इंटरनेशनल डे इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लैबरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लैब ट्रेड तो ये जो है आप लोग का मनाया जाता है ट्वेंटी मार्च को मनाते हैं इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में और पूछा गया था यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में

ऑल इंडिया लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए जितने भी लोग नए आए हैं क्लास में अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बी के सेकेंड चैनल बी एस ए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए जैसे कि डेली बेस के जो भी आने वाले क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इवेंट्स होते हैं जो जो भी भी न्यूज होती है अपडेट रहती है वो आप लोग को क्वेश्चन मिल सके जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो हम लोग फिर मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में अपना सेहत का ख्याल रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए नमस्कार जय बी एस ए जय बी एस ए क्लास और आप सभी का तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद वंदे मातरम